हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फिल इन द ब्लैंक्स. योर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में द फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, जो फर्स्ट ग्रुप है वो उसमें है वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है एंड इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम, वंस पीरियड. क्या बोलते हैं हम उसको, वंस पीरियड. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है जिसमें आपकी प्लेस वैल्यू थी वंस, टेंस, हंड्रेड. ये एक पीरियड हो गया, इस पीरियड को क्या कहते हैं हम, वंस पीरियड. सेकंड पीरियड होगा आपका थाउजेंड, टेन थाउजेंड. ये थाउजेंड का पीरियड हो गया. फिर हो गया आपका लाख, टेन लाख. ये बेटा लाख का पीरियड हो गया. तो थ्री पीरियड्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है. इस फिल इन द ब्लैंक्स में वंस पीरियड की बात हो रही है. वंस पीरियड इज कंसिस्ट ऑफ वंस, टेंस एंड हंड्रेड. थ्री प्लेसेस होती हैं वंस के पीरियड में, ठीक है. नेक्स्ट है द नंबर विद मोर डिजिट्स. जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होती हैं इज ऑलवेज ग्रेटर. ये तो पता है आपको, जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होती है वो ग्रेटर होती है और जिसमें कम डिजिट होती है वो स्मॉलर होती है. द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो. जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मीन्स जो मल्टीप्लाई का आंसर होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. तो किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मीन्स प्रोडक्ट जो भी आएगा वो जीरो ही आएगा. बेटा जीरो से अगर हम डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका जीरो ही आता है, ठीक है. लेकिन जीरो अगर माइनस होता है किसी में या ऐड होता है किसी में तो सेम नंबर आता है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका टू नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. दो नंबरों को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम. उनका जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम ही आएगा. देखिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं. देखिए टू नंबर है आपके, सिक्स फाइव जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, थर्टी. और अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज मीन्स सिक्स को फाइव से मल्टीप्लाई किया, अब अगर हम फाइव को सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तब भी आंसर थर्टी ही आता है. ये हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, सिक्स मल्टीप्लाई फाइव भी थर्टी होता है और फाइव मल्टीप्लाई सिक्स भी थर्टी ही होता है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज ऑप्शन में इसमें आपका डिफरेंस और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो आंसर सेम आएगा. डिफरेंस का ऑर्डर चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है आपका ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ. एक नंबर को हम माइनस करते हैं खुद में से ही. 25 को अगर में से अगर 25 ही माइनस कर दें तो क्या आएगा आंसर, जीरो, ठीक है. तो टू नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, सॉरी, ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ. किसी नंबर को माइनस करते हैं खुद में से ही माइनस कर दिया, गिव्स जीरो. क्या था आंसर, जीरो एज द डिफरेंस. डिफरेंस मींस आंसर, सब्ट्रैक्शन के आंसर को हम डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है. तो दो नंबर को अगर हम किसी नंबर में से खुद उसको ही माइनस करेंगे, इटसेल्फ मींस उसमें से उसको ही, तो इट गिव्स जीरो एज डिफरेंस, ठीक है. नेक्स्ट है टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर विद द गिव, टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर विद द गिवन डिजिट्स. ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए विद द गिवन डिजिट, दी हुई डिजिटों से अरेंज द डिजिट्स. डिजिट्स को अरेंज करते हैं हम किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में. देखिए
इन फोर डिजिट से हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले बिगर नंबर लिखेंगे, फिर ये देखिए हमने इन डिजिट से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था, तो हमने इनको कैसे अरेंज किया, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तभी ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। ठीक है, इफ अ नंबर अदर देन जीरो, कोई नंबर अगर एक नंबर जीरो के अलावा कोई भी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, उसको हम खुद से ही डिवाइड करते हैं, तो क्वेश्चन क्या आता है, वन। ठीक है, इफ अ नंबर अगर एक नंबर को वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर उसको उससे ही डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है, वन। देखिए 32 डिवाइडेड बाय 32 क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा वन। ठीक है, जीरो के साथ ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो किसी भी नंबर को उससे ही अगर डिवाइड करते हैं तो आपका क्वेश्चन आता है वन। नाउ द नेक्स्ट इज टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर इन विद द गिवन डिजिट, इसी फिलिप्स का ये अपोजिट है, जो ये फिलिप्स है उसका सेम अपोजिट है ये। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए विद द गिवन डिजिट, दी हुई डिजिटों से अरेंज द डिजिट्स को हम अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे अगर इन्हीं डिजिट से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले वन लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर फाइव लिखेंगे, फिर सेवन लिखेंगे। तो ये हमने कैसे अरेंज किया, हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। नेक्स्ट है इन यूनिटरी मेथड वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। यूनिटरी मेथड का नाम ही बेटा वन यूनिट की वजह से ही पड़ा है। यूनिटरी मीन्स वन यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए आपको फाइव एप्पल्स आपके 30 रुपीस के हैं, अगर आपके फाइव एप्पल्स 30 रुपीस के हैं, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 8 एप्पल्स कितने के हों, तो आप बता पाएंगे क्या, आप नहीं बता पाएंगे। जब तक आपको वन एप्पल्स के प्राइस नहीं पता तब तक आप 8 एप्पल्स के प्राइस नहीं बता सकते। आपको 5 एप्पल की प्राइस पता है 30 रुपीस, लेकिन आपको जब तक वन एप्पल की प्राइस नहीं पता आप 8 एप्पल की प्राइस नहीं बता सकते। ठीक है, तो यही यूनिटरी मेथड है। इन यूनिटरी मेथड वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट, पहले हम वन यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। हम पहले वन एप्पल की कॉस्ट निकालेंगे, क्या होगी, 30 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, पहले हम वन एप्पल की कॉस्ट निकालेंगे, तब हमें जो पूछा है, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट का आपसे वैल्यू पूछी है, फिर आप उसकी निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एडिंग वन टू अ नंबर गिव्स द सक्सेसर ऑफ द नंबर। अगर हम किसी नंबर में वन ऐड करते हैं तो बेटा क्या आ जाता है, सक्सेसर आ जाता है, सक्सेसर ऑफ द नंबर एज द सम। एडिशन के आंसर को सम बोलते हैं, एडिशन का जो भी आंसर आता है हम उसको क्या कहते हैं, सम। तो जब हम वन ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो जो सम आता है वो क्या होता है, उसका सक्सेसर होता है। ठीक है, नाउ 11th है ए लाइन डिवाइडिंग एनी शेप, कोई भी लाइन किसी शेप को टू या मोर सिमिलर पार्ट्स में, एक जैसे दो या दो से ज्यादा सिमिलर पार्ट में डिवाइड करती है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आपने देखा है, आपने स्क्वायर की सिमेट्री लाइन
पढ़ी है तो स्क्वायर की सिमेट्री लाइन एक से ज़्यादा हो सकती है, 1, 2, 3, 4। आप देखिए इसमें हर लाइन में, हर लाइन ने स्क्वायर को सिमिलर पार्ट में डिवाइड किया है। किसी भी लाइन को आप देखिए, उसने स्क्वायर को सिमिलर पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसलिए सिमेट्री लाइन मीन्स किसी भी शेप को टू से ज़्यादा सिमिलर पार्ट में डिवाइड करती है सिमेट्री लाइन। ठीक है, द कोशेंट डिवाइजर एंड रिमाइंडर आर ऑलवेज लेस देन द डिविडेंड। कोशेंट डिवाइजर रिमाइंडर हमेशा छोटे होते हैं डिविडेंड से। ठीक है, देखिए आप इसमें, देखिए आप 7, 5 जा 35 और रिमाइंडर आपका आया 1। 7 इज योर डिवाइजर, 7 आपका डिवाइजर है, 5 आपका कोशेंट है। ठीक है, अब 1 इज योर रिमाइंडर एंड द डिविडेंड इज 36। तो देखिए आप डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर, ये तीनों चीजें आपके डिविडेंड से कम है, स्मॉलर है। ठीक है, यही इसमें भी कह रहा है कि कोशेंट डिवाइजर एंड रिमाइंडर आर ऑलवेज लेस देन द डिविडेंड। ये तीनों चीजें हमेशा स्मॉलर होती हैं डिविडेंड से। ठीक है, इस डिवाइड में ही नहीं, सब डिवाइडों में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द रोमन नंबर आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। रोमन नंबर का जो आई है बेटा वो वी में से सब्ट्रैक्ट होता है। देखो वी में से सब्ट्रैक्ट होके 4 बन गया, ये 5 में से सब्ट्रैक्ट होके 4 बन गया और एक्स में से सब्ट्रैक्ट होके 9 बन गया। बस ये आई और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ वी में से सब्ट्रैक्ट होके 4 बन जाता है। सब्ट्रैक्ट होना मतलब आई पहले लगेगा वी से। एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है मीन्स 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो 9 बन गया। तो यही कह रहा है रोमन न्यूमरल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। ठीक है, द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, इस क्वेश्चन में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 इज योर डिवाइजर। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ नंबर कैनॉट बी चेंज इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। देखिए 7-3 इज इक्वल टू 4, तो हम इन दोनों नंबर का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। हम नहीं लिख सकते 3-7, इसको इस 7-3 ही लिखेंगे, इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।